असल वरहमल वरक अज़ीज़ बच्चों पिछली क्लास में आपने उन्नीसवा सबक मुकम्मल किया था अब यहाँ से हम कंटिन्यू देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा बीसवा है जिसका नाम है मस्ताशकाल के अहाते और रगबे इंग्लिश में कहेंगे पैरामीटर्स एंड एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स इसका हम पहला पेड़ देखेंगे ठीक है इसके कुल तीन पेड़ हैं हम तीन पेड़ में हमने मुकम्मल करने की कोशिश की है इसको अब पहले देखेंगे कि पैरामीटर कैसे कहेंगे एरिया किसे कहेंगे यानी अहातों और रकबे किसेंगे मस्ता तो आप जानते हैं फिर भी बताते चलूंगा आपको मैं मस्ता किसे कहेंगे तो उससे पहले है ये चीज़ के ये तीनों दो चैप्टर जो बीस और इक्कीस जो चैप्टर है ये किस में आते हैं वो आते हैं मसाहत में मसाहत को इंग्लिश में कहते हैं मैंसोरेशन मैंसोरेशन के माने क्या है देख लीजिए मसाहत इल्म रियाजी की एक शाख है जिसमें यानी लंबाइयों रकबाओं और हजमों का हजमों की पैमाइश की जाती है इसमें ठीक है रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें मसाहत के तहत हम मुख्तलिफ़ के मसाइल को हल करना सीखेंगे इसमें जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैदान या खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना तार लगाना जो हम देखते हैं अक्सर गांव वगैरह में तो बाड़ लगाई जाती है है ना खेत के अतराफ या फिर घरों के अतराफ बाढ़ लगाई जाती है ना ये अतराफ इस में काटी की लगाइए आप लगा या फिर तार लगाइए आप इसको हम क्या कहते हैं ठीक है इसको हम कहेंगे तार लगाने को अहाता कहेंगे आगे फिर बताऊँगा आपको मैं पहले ही चीज़ फिर फर्श पर लगाए लगाने के लिए टाइलों के टाइल जो होते हैं ना जो टाइल्स मिलते हैं या फिर हो सकता है गांव में पत्थर जो मिलते हैं हमारे पास उसकी तादाद भी हम मालूम कर सकते हैं कमरे के हिसाब से कितने टाइल्स या पत्थर लगेंगे वही हम मालूम कर सकते हैं इस मसाहत में दीवार बनाने के लिए ईंटों की तादाद जो दीवार बनाते हैं हम उसके लिए भी ईंटों की तादाद हम कितनी लगती है मालूम करना और दूसरी भी चीज़ हम इसमें देखेंगे ठीक है मसाहत में मेनसोशन में फिर बाजात मसाहत को फर्नीचर और दीवार के साइज भी कहते हैं मसाहत को फर्नीचर और दीवार भी कहते हैं किसकी साइंस की कहते हैं इसको देखिए इसमें कैसे होता है ये ये जो ट्रायंगल आया है इसको मुसलिस कहेंगे ट्रायंगल ये एक प्लेन फिगर है मस्ताशकाल सतह वाली शक्ल कहेंगे इसको फिर एक आया है मुस्तिल या कहेंगे आप चार जले इसमें उसके बाद मसाहत में ये थ्री फिगर हो गए ये दो चीज़ें जो आ गए आपको टू आ गए यानी प्लेन फिगर कहेंगे जिसमें दो डायमेंशन आएंगे दो इबाद आएंगे दो इबाद मतलब लंबाई चौड़ाई हो सकती है या ऊंचाई या फिर बेस हो सकता है इसमें फिर जो अब दो फिगर जो आएंगे आपके सामने इन दोनों में ये जो है थ्री डी फिगर्स है ये तीन डायमेंशन वाली इसमें तीन डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें ठीक है इसके अंदर इसमें भी आएंगे आपके पास क्योंकि गोल है ये तो इसमें अलग आएंगे उसको हम आगे पढ़ेंगे जिसको हम सिलेंडर कहेंगे सवाना और इसको क्या कहेंगे आगे पढ़ेंगे हम ठीक है आइए देख तो मस्ता के मसाहत में हम इन चीज़ों के पढ़ेंगे तो इसमें दो इसबाक है मसाहत में बीसवा सबक है मस्ता अशकाल का हाथों पे और इक्कीसवा सबक है ठोस अशकाल के वहाँ सॉलिड फिगर होगा वो ठीक है तो पहले से मैं ये दो फिगर के बारे में और इसके जो भी आएंगे आगे प्लेन फिगर के बारे में पढ़ेंगे आगे जो दो दो फिगर आपको नजर आ रही है ये थ्री डी फिगर्स हैं इसके हम इक्कीसवें सबक में पढ़ेंगे हम ठीक है आइए देखते हैं तो नाइनटीन चैप्टर हमारे पास है तो इसका महान अहाता जिसको हम पैरामीटर कहते हैं पैरामीटर के माने देख लीजिए अहात है जिसको हम आसानी से एक लफ में कहने चाहें तो होगा बाउंड्री इसकी जो अतराफ़ से दिख रहा है ना आपको ऐसा अतराब से घूमेंगे आप तो ये बाउंड्री यानी अहाता कहलाएगी तारीफ इसकी किसी मस्ता बन शक्ल की बाउंड्री के साथ साथ चलने में तय किया गया फासला इसका अहाता कहलाएगा जो बताएगा आपको इसके राउंड अतराफ चलने को हम अहाता कहेंगे अब आइए नेक्स्ट होगा रकबा इसमें इसकी पैमाइश इकाइयों में की जाती है इकाइयाँ मतलब सेंटीमीटर मीटर इसकी ठीक है अब ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं होता है और फीट और यार्ड अक्सर इस्तेमाल करते हैं हम गाँव में जब देखेंगे या फिर कहीं शहर में हम खरीदने जाएँ यार्ड या फिर फ़ीट में हम इसको लेंगे कितने मीटर का है बहुत कम इस्तेमाल होता है कितने फीट का है ठीक है या फिर कितने गज का है उसको हम देखते हैं अक्सर तो रकबा है एरिया कहते हैं ये जो एरिया होगा जो बाउंड्री से किरावा हुआ अंदर का हिस्सा होगा वो रकबा कहलाता है ठीक है तारीफ देखिए इसकी अहाते से घिरा हुआ खत्ता खत्ते रकबा कहते हैं इसी पेमाइश मुबा इकाइयों में होती है मुबा सेंटीमीटर मीटर मीटर मुबा किलोमीटर इस तरह से इसकी इकाई होती है या देखिये अहाता बाउंड्री कहेंगे उस बाउंड्री के अंदर जो जो खत्ता होगा या जो भी चीज हो जाएगी वो आपका रकबा हो जाएगा मिसाल के तौर तो पर आप जैसे बैठे हैं बेंच पर तो बेंच के जो अतराफ है उसको हम बाउंड्री यानी अहाता कहेंगे जब कहाँ जहाँ आप कॉपी या अपना हाथ रखें या पेन रखें अपना जोमेटरी बॉक्स रखें या अपना बैग रखें उसको हम रकबा कहेंगे ठीक है याद देख लीजिए आप इसको नेक्स्ट इसमें कुछ मखसूस चार जिले और मुसलिस के अहाते और रकबे ठीक है देखिए यहाँ पर क्या बोला गया इंग्लिश में इसको पैरामीटर्स एंड एरियाज ऑफ सम स्पेसिफिक कॉर्डिलटल एंड ट्राइंगल्स कुछ फार्मूले होंगे इसमें चंद फार्मूले होंगे इसमें आपको या आपको जहन रखना ठीक है देखें एक से, नाम दिया गया इसमें शक्ल है फिर साथ में अहाता दिया गया है उसके बाद रकबा है उसके बाद वितर है वितर हम दो या तीन शक्लों में इस्तेमाल करेंगे बाकी में नहीं इस्तेमाल नहीं होता आगे पहला है ट्रायंगल जिसको मुसलिस कहेंगे इसमें दो है ट्रायंगल एक एक से बताऊंगा आपको मैं पहली है ये मसावी जिले जिसके तीनों भी जिले मसावी होते हैं उसको हम ले रहे हैं पहले तो फार्मूला हुआ इसका अहाता हुआ तीन जिले एक दो तीन इसमें तीन जिले होते तीनों को जमा करना अहाता मतलब जो बाउंड्री होती है उसको हम जमा करना होता है यहाँ पर तीनों जिलों को जमा कर रहे हैं यहां पर रकबा रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर इसका रकबा इसका वितर नहीं देखेंगे इसका आगे हम देखेंगे फिर यह होगा एंगल ट्राइंगल है, uh, right है ये ठीक है इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर तीनों जिलों का हाश मुख्तलिफ होते हैं तो आप ए बी सी भी लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे आसान जवाब हमारा अहा था तीनों जिलों का हाश लामा एक दो तीन तीनों जिलों को जमा कर देंगे तो हमको अहाता मिल जाएगा फिर नेक्स्ट है इसका फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट इसका जो वितरण मालूम करेंगे ए सी स्क्वायर फीसा गौर उसके मसले से हम लेंगे ये ए सी होगा ए सी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसके लिए फिर नेक्स्ट है स्क्वायर जिसको मुरबा कहेंगे चारों जिले के मसावे रहेंगे इसके और चारों जावे भी नाइन्टी डिग्री के रहेंगे ये भी ज़ाहिर में रखिए आप ये फोर ए क्योंकि ए जैसा इसमें लिए थे हम ए जिला आएंगे यहाँ पर ए जो होगा जिला कहला जाएगा आपको ठीक है साइड उसके बाद इसका फार्मूला ए स्क्वायर जिले की दूसरे लिख सकते हैं या फिर साइड स्क्वायर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं और इसका वितर रूट टू एस में जहाँ भी वितर मुरब्बे का भीतर लग आता है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप उसके बाद मुस्तिल रेक्टेंगल आपके पास है इसका टू एल बी प्लस बी एच सॉरी टू एल प्लस बी तो एल मतलब लंबाई बी मतलब चौड़ाई तो एक मरतबा दो मरतबा लंबाई हो गई और दो मरतबा चौड़ाई हो गई तो दो कॉमन लेकर हमने उसको फार्मूला बनाया है उसके बाद इसका लेंथ तो लंबाई और चौड़ाई की जरूरत देंगे तो आपका जो रकबा वो आ जाएगा फिर ये भी वैसी है कि स्क्वायर स्क्वायर चौड़ाई की दूसरी दूसरी जमा लंबाई की इसमें में आपके पास ये चंद फार्मूले है फिर आगे भी है उसके इतना आप नोट कीजिए फिर आगे के फार्मूला बताऊंगा फिर आपको मैं चलिए आगे के फार्मूला देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट जो है मतवाजल इंग्लिश में पैरोलग्राम इसको थोड़ा हल्का सा क्रॉस होगा ये जिलों के चारों जिलों का हाथ हमारा ठीक है यहाँ पे आप आ, मुस्तिल का भी ले सकते हैं दो लांबा इजाफ यहाँ पे हो सकता है पुलों का भी आप एक एक से लेकर हल कर सकते हैं यहाँ बेस इंटू हाइट आएगा इसमें ये बेस होगा और दरमियान में से इसका हाइट आएगा इसका फिर इसके बाद वितर के नहीं है मुन रोमबस कहेंगे इसको हम देखिए रोमबस शक्ल यहाँ पर उसके बाद फोर ए क्योंकि इसके भी रोमबस में जो होता है चारों ज़िले मसावी होंगे इसलिए हमने जिले को ए लिया है चारों ज़िले हमने यहाँ पर जमा कर दिए हैं फिर इसका जो डी है डी कहेंगे ख़तर डायमीटर कहेंगे इससे पहले भी आपने सीखा है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू ये एक डायमीटर एक जहाँ प्लस बनेगा वो डायमीटर कहला जाएगा इसका ठीक है उसके बाद नेक्स्ट मुनहरिफ है जिसको ट्राफिज़म कहेंगे ट्राफिज़म का जो शक्ल है यहाँ पर है दो मुतवाजी खतूत रहेंगे इसमें इसके बाद चारों ज़िलों का हासिल हुआ इसमें मुख्तलिफ होते हैं तो आसान सा जैसे बताया पहले मैं आपको कि चारों ज़िलों को जमा करने पर हमको जवाब मिल जाएगा वहाँ पर अब यहाँ पर हाफ़ है ए प्लस बी इंटू एच है ए बी क्या आएगा जो मुतवाज़ि ज़िले होंगे उसको आप ए लिखेंगे ठीक है हाइट तो दरमियान का फासला हो गया इन दोनों के ये याद रखना है आपको इसके बाद लास्ट दायरा हम आप सर्कल कहेंगे इसको जानते हैं आप इससे पहले सब हम पढ़ चुके हैं आप इसका भी फार्मूला टू पै आर जो मुहित कहेंगे यहाँ पर अता इसके बाद फिर रकबे का फार्मूला पैर स्क्वायर इसमें चूंकि वितर होता नहीं तो ये इसको भी आप नोट कर लें आप मुतवाज मुनहरिफ दायरा ये बहुत अहम फार्मूले है चलिए अगला देखेंगे हम ट्वेंटी पॉइंट वन मशों की पहला सवाल एक मुरबा नुमा मैदान का रकबा है दो सौ पच्चीस स्क्वायर मीटर मैदान का अाता मालूम करना देखिए यहाँ पर क्या बोला गया आपको जो रकबा दिया हुआ है दो सौ पच्चीस और मैदान का अहाता अहाता जो जानते हैं आप इसकी कि इसके तरफ हम जैसे देखेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे हम तो वापस यहीं पर ख़त्म होना वापस ठीक है शुरुआत भी है पर इतना भी तो यह अहाता होगा आपके पास तो इसका अहाता हमको मालूम करना है जब तक हमारे पास ज़िला ना हो यानी एक ही कीमत ना मिले तब तक हम अहाता नहीं मालूम अाता का फार्मूला है फ़ोर ए है ना फोर ए इसका जब्ता है तो इसमें ए है ए कीमत नहीं मालूम लेकिन हमको किससे मालूम हो जाएगी रकबे से मालूम देखिए आ गया मुरबा हमारे पास उसके बाद एरिया जिसको टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और पैरेमीटर ने हाथों तो को हम पीस हज़ार करते हैं पेरे एरिया ने मुरबे का रकबा मसाफ दो सौ पच्चीस का फार्मूला है ए स्क्वायर दो सौ पच्चीस वैसी स्क्वायर दोनों तरफ या दोनों हम जजो लेने पर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन आएगा तो जिला हमारे पास जो मिल गया है वो फिफ्टीन हो गया अब आइए देखते हैं कि अहाता क्या होगा जिला हमको मिलने के बाद अहाता लेंगे हम अब क्या मालूम कर रहे हैं अहाता है इसमें मरबे का अहा था पी मसावी है, फोर ए कीमत फिफ्टीन है तो फिफ्टीन इंटू फोर सही कहा आपने सिक्सटी मीटर ये आपका जो सवाल पूछा गया था मैदान का अहा जुमला आप कंकलूड कर सकते हैं मैदान का अहाता मसावी है फोर्टी सिक्सटी मीटर अगला देखें और सवाल आपके पास इसी नुयीय का है इस मरबे का वितर देखिए यहाँ वितर पूछा गया है वितर मालूम कीजिए जिसका अहाता दिया है वितर कब तक नहीं मालूम जब तक आपके पास जिला मौजूद ना हो आप वितर नहीं मालूम कर सकते तो पहले जिला मालूम करेंगे इसी तरीके से तो अहात हमारे पास फार्मूला है देखिए ये वितर होगा जो दरमियान का होगा डाइगनॉल इंग्लिश में डाइगनॉल उर्दू में वितर, वितर कहेंगे इसको हम उसके बाद पी एन ए पैरेमीटर मसावि मसाविस वितर मालूम करना हमको पैरामीटर फोर फोर ए ये अहाता हो गया आपके पास इसके बाद फिर 60 पैरामीटर आपको 60 दिया हुआ है इसके बाद इसको हम तकसीम करेंगे चार से तो हमको 15 मिलेगा जिला हमारे पास हो गया 15 सेंटीमीटर अब हमको मालूम करना है वितर वितर का फार्मूला जानते हैं हम क्या है वितर मसावी है रूट टू ए वितर मसावी रूट टू है तो ए कीमत की क्या मिली हमको फिफ्टीन तो यहाँ पर मिलेगा आपको फिफ्टीन रूट टू जो वितर होगा हमारा फिफ्टीन रूट टू सेंटीमीटर इसको अलग अलग लिखे पहला सवाल पार्टीशन करते हुए फिर उसके नीचे फिर दूसरा सवाल का जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सवाल नंबर तीन देखिए यहाँ पर एक मुस्तल में मैदान की लंबाई चौड़ाई बिलतरती है, बिल है आपको बाईस शदा पांच सेंटीमीटर बारह शद पांच सेंटीमीटर दिया है मालूम कीजिए कि मैदान का रकबा वो तो आसानी से मालूम कर सकते हैं क्योंकि मैदान का रकबा मुस्तल का रकबा हमको मिलेगा लंबाई जराब चौड़ाई गुड फिर मैदान के चारों तरफ बाढ़ लगाने के दरकार तार की लंबाई एक ही मरतबा लगा रहे हैं याद रखिए अगर यहाँ बोलता चार मरतबा लगा रहे हैं या तीन मरतबा तो उसको तीन से तरफ़ देते तो क्या मांगा ये पर चारों तरफ मतलब यहाँ था यहाँ पर हाथा मालूम करना आप आइए देखते हैं पहले क्या दिया हमको वो देख लेंगे हम मुस्तिल आ गया ये उसके बाद लंबाई आ गई चौड़ा आ गई एल से लंबाई को जाहिर करते हैं और चौड़ाई अम्बी से ब्रेथ को जाहिर करते हैं पहला वाला है एरिया हमको मालूम करना है उसमें देखिए मुस्तिल का रकबा लंबाई ज़राब चौड़ाई लंबाई बाईस अशारा पाँच और ये बारह अशारा पाँच दोनों को जरब देने पर दो सौ इक्यासी अशारा दो पाँच स्क्वायर स्क्वायर मीटर या फिर मुबा मीटर भी उर्दू में पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश है तो में पढ़ना है तो स्क्वायर उर्दू में पढ़ना है तो मुबा मीटर ये हो गया मुस्तिल का रकबा एक हमको जो पूछा गया था दूसरा है आसान से भाषा में नहीं पूछा दूसरा तार आता तार लगाना बोला गया तो समझना है कि ये अहाता कहलाएगा आपको सेकेंड इसमें पैरामीटर मालूम करेंगे तार की लांबाई लिखी आप या फिर इसका अहा था आप पी मसावी है टू एल यानी लंबाई जमा चौड़ाई टू से हम दोनों जमा करेंगे जमा करने के बाद पैंतीस आएगा पैंतीस दुग्नी सत्तर मीटर जो तार की लंबाई हमको दरकार है एक मरतबा लगा रहे हैं इसमें तार की लांबाई इस मुस्तिल को लगा रहे हैं एक ही मरतबा सिर्फ वो है आपको सत्तर मीटर जरूरत है उसके हिसाब से बाद में आप लगा सकते हैं कि आपको कितना तार होना चाहिए Uh, कितने मरतबा आप लगाने वाले बाउंड्री एक मरतबा है दो मरतबा है तीन मरतबा है वो हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना पे इसको। अगला सवाल फोर्थ एक मुस्तिल की लंबाई और चौड़ाई की नस्बत तीन नस्बत दो में है अगर मुस्तिल का रकबा सात सौ छब्बीस स्क्वायर मीटर है तो अहाता आपको मालूम करना है ठीक है रकबा दिया है फिर अहाता मालूम करना है इससे पहले हमने मालूम किया था तो पहले हम लामबाई और चौड़ाई मालूम कर लेंगे उसके बाद फिर अहाता हम आसानी से मालूम कर सकते हैं मुस्तिल आ गया वापस और उसके बाद फ़र्ज करना है कि लाम्बाई जो नस्बत में दी जाती है उसको तीन एक्स और टू एक्स एक से हम ताबीर करें फिर उसको हम या करें इसको इसका रकबा सात सौ छब्बीस मरबा मीटर दिया गया है रकबा मस्तल रकबा लामबाई जराब चौड़ाई मस्तिल का रकबा हमको दिया सात सौ छब्बीस थ्री एक्स और टू एक्स छम करते हैं तो यहाँ पर एक सौ इक्कीस आएगा इक्कीस का जजो मबा कितना होता है जी सही कहा आपने ग्यारह होगा ग्यारह मीटर आपके पास ये एक्स की कीमत मालूम हो गई अब लंबाई चौड़ाई मालूम करेंगे आइए देखते हैं लंबाई चौड़ाई यहाँ पर देखिए मुस्तिल की लंबाई एल मसावी थ्री एक्स हमने यहाँ दिया था तो थ्री से एलेवन को जब मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी थ्री हो गया है फिर मुस्तिल की चौड़ाई इसमें बी से बीमसा हुई दो से मल्टीप्लाई करेंगे बाईस होगा अब इसके बाद जो पूछा गया हमको सिर्फ आएंगे अहाता हमको पूछा गया फार्मूला अहाते का है इसका अहा टू लंबाई प्लस चौड़ाई इसमें आप कीमतें रखेंगे लंबाई कीमत तैंतीस और चौड़ाई कीमत बाईस दोनों जमा करेंगे पचपन पचपन का दुगना एक सौ दस मीटर तो मुस्तिल का हाथ आपके पास हुआ एक सौ दस मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उस मतवाज अजला का रकबा मालूम कीजिए जिसके असास और नजीरी इरतफा बेतरतीब बीस और बारह सेंटीमीटर दिया गया है मतवाज अजला यहाँ से तब्दील हो गया पहले मरबा आया मरबे के मुस्तिल आया और उसके बाद मतवाजिल अजला आ रहा है आइए देखते हैं क्या दिया है इसमें यह है हल्का सा थोड़ा सा क्र टेढ़ा होता है थोड़ा सा मुस्तिल के मुकाबले थोड़ा सा थोड़ा क्रास होता है क्योंकि मतवाजिर अजला कहा गया है जिसके अपोजिट या फिर मुकाबिल ज़िले मुतवाजी और मसावी होते हैं इससे थोड़ा सा हल्का सा क्रास होता है आइए देखते हैं क्या क्या दिया आपको एक है आपके पास हला पहले दिया मुताजर का रकबा मालूम करना है ए क्वेश्चन मार्क बी दिया आपको ब्रेथ यहाँ पर असास तो बेस बेस एन एसास बीस दिया है और इरतफा एच एन हाइट आपको दिया गया है फार्मूला इसका बेस इंटू हाइट दोनों को रखना है बरा रुपये चौबीस हो गया दो सौ चालीस स्क्वायर सेंटीमीटर ये पांचवे का जवाब मुकम्मल होता है नेक्स्ट सवाल देखिए एक मुसलिस का फिर एक नया आया आप सवाल मुसलिस आया यहाँ पर मुसलिस का रकबा आपको दो सौ अस्सी स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है अगर मुसलिस का आसास सत्तर तो नज़र इरतफा मालूम करना है जैसा कि जानते हैं कि अभी चूँकि यहाँ पर इरतफा बोला गया है तो हम क्या करना है जो सेकेंड फार्मूला हमें हमने लिखा है उसको लेना राइट एंगल ट्राइंगल में आइए देखते हैं इसको मुसलिस आ गई तो ये दरमियान का जो है आपके पास वो इरतफा है तो फार्मूला जो दिया गया हमको वो लिख लेंगे एरिया जो है वहाँ पर दो सौ अस्सी है रकबा सॉरी बेस हमारे पास सत्तर है और हाइट हमको मालूम करना है इरतफा या हाइट ठीक है ये अल्टीट्यूड भी कहते हैं उसके बाद फार्मूला है मुसलिस का रकबा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट उसके बाद रकबा दो सौ अस्सी हम है हमारे पास हाफ इंटो बेस ये सत्तर है सत्तर को हम अगर तकसीम करते हैं तो पैंतीस होगा या उसको भेज सकते हैं यहाँ आप सिंपलीफाई भी कर सकते हैं दो सत्तर का आधा पैंतीस होगा फिर पैंतीस से उसको तकसीम भी कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी पे है हमने ट्रांसपोज कर लिया वहाँ पर हमेशा देखिए कि सिम्प्लीफिकेशन आप अपने हिसाब से करना है हर बच्चे का सिम्पलीफिकेशन अलग हो सकता है जवाब वही मिलेगा आपको सिम्प्लीफिकेशन मतलब मुख्तसर करना कहां है कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है तकसीम कब करना है जब कब करना है ट्रांसपोज कब करना है इसको अपने हिसाब से हम कर सकते हैं तकसीम हो गया यहाँ पर तो एच मसावी है इरतफा मसावी आर्ट तो मुकम्मल तकसीम हो गया है कैसे तकसीम हो गया देखिए ये दो जो कैंसिल हो गया है सात एक सात सात सौ एक अट्ठाईस चार दुगुनी आठ इस तरह से तकसीम हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन एक मुनहरिफ के छब्बीस और बारह दिए हैं मुतवाजाला बताया था हम आपको हम ए और बी लेना है मतवाज़िया के ज़िले दिए मुनहरफ में ए और बी लेना है अगर मतवाजिला के दरमियान का फासला फासला जब देता है दोनों के दरमियान उसको हम एच से तबीर करेंगे तो मुनहरफ का रकबा मालूम करना मुनहरफ आ गया ये ऊपर वाला किसी को भी आप ए बी ले सकते हैं और ये दरमियान में जो आ गया फासला होगा ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है बीच में फासला होगा तो इसका जो हमको दिया एरिया मालूम करना हाइट हमको दी गई है और बी और ए मतवाजिला के ज़िले दिए गए यहाँ पर तो मुनरिफ का रकबा है A इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इन टू एच कीमतें रखी यहाँ पर हाफ छब्बीस जमा बारह दो से हम तकसीम भी कर सकते हैं इसको या फिर जराब देने का भाई तकसीम कर आपकी मर्जी पे है यहाँ भी तकसीम किया दो से अड़तीस को आपको तो उन्नीस मिलेगा उन्नीस 19 जाए एक सौ नब्बे स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गया सवाल नंबर सात का मुकम्मल जवाब और मुनहरिफ का रकबा हमने मालूम कर लिया है एक सौ नब्बे स्क्वायर सेंटीमीटर लास्ट क्वेश्चन आठवा देखिए एक मोयन का अहा आपको एक सेंटीमीटर है अगर इसकी वितर की लंबाई अड़तालीस हो तो दूसरे वितर की लंबाई मालूम करना है मोयन में देख सकते हैं आप दो वितर होते हैं ठीक है शक्ल में देखिए दो वितर है एक ए है एक बी डी दो वितर आपके पास है एसी और बी डी तो एक वितर की लंबाई दिया है और साथ ही साथ इसका अहाता दिया है तो अहाते से हम क्या करेंगे एक जिला मालूम बगात जिले के हम आगे नहीं हल कर सकते तो जिला मालूम जिला मालूम होने के बाद हम क्या करेंगे कोई भी एक मुसलिस में से लेंगे दिख रहे है यहाँ एक सौ शेट कराऊ एक ये एक हो गई ये दूसरी मुसलिस ले सकते हैं तीसरी चौथी चार में से कोई एक लेंगे हम चारों भी एक जैसे ही हैं चार में से कोई हम एक मुसलिस लेंगे अहाता मालूम होने के बाद अब क्या दिया है हम आपस सामने ले लिया बी डी हमको मालूम करना है ए सी अड़तालीस हमको दिया एक वितर और मोयन का हाहा एक सौ छियालीस सेंटीमीटर हमको दिया है मोयन का हाथा आ गया है यहाँ से हम ए ले रहे हैं फोर ए तकसीम करें चार से हम इसको तो ये छत्तीस इशारा पाँच आ गया तो ज़िला हमको मालूम हो गया है ज़िले के बाद अब यहाँ जो है आपके पास ओ ए है मुकम्मल चूंकि मुसलिस तो एक एक कीमत होना है ओ ए और ओ डे की कीमत लेना है तो ओ ए मसावी हाफ ऑफ ए से होता है हमेशा देखना मोयन का जो वितर होते हैं एक दूसरे की तनसीब करते हैं जब दरमियान में आता है यहाँ से इसको कट कर देता है मसावी दो हिस्सों में मसावी हिस्सों में बांटता है इसको दरमियान में से ये तकसीम हो जाता है ये वितर तो ये हो गया आपके पास ओ ए मसावी ओ सी अड़तालीस का आधा चौबीस ओ हमको मिल गया है अब इसी तरह से हम आगे देखेंगे इसमें कि अब यहाँ लेंगे मुसलिस ए बी जो नीचे वाली मुसलिस दिख है आपकी ये ए बी हम ले रहे हैं इसमें। इस इस हिस्से को हम ले रहे हैं ठीक है लेने के बाद जाविया ए बी मसावी नब्बे दर्जे होगा इसमें पीसा कदर इसका मसला इस्तेमाल कर रहे हैं ज़िला हमको चूँकि मिल गया है ए बी ज़िला मिला नहीं ये छत्तीस छत्तीस की दूसरी और ओ ए हमारे पास है चौबीस ओ भी हमको मालूम करना है देखिए छत्तीस का मरबा कितना होगा हाँ उसी यहाँ पर क्या किया कि हम बहुत आसान तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जमा कीजिए साठ हो गया घटा दीजिए साढ़े बारह हो गया है दोनों को जब्ब दीजिए ओ भी आ गया आपके पास उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव इसका क्या आएगा आपको ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव OB मिल गया है जैसे हमने यहाँ पर आधा किया था यहाँ आपको डबल करना है ठीक है जो बी डी आपको लाना है वितर BD की लंबाई जो मालूम करना है उसको ओबी को डबल करना देखिए दो मरतबा ज्यादा इसको आइए देखते हैं लास्ट तो BD वितर टू इन टू ओबी ये आपके पास आएगा सत्ताईस अशद पांच का दुगुना पचपन सेंटीमीटर जो वितर आपके पास हो गया बी डी वो वितर की लंबाई हमको मिल गई है तो पहले इसको ही लिखेंगे आप उसके बाद फिर सेकेंड ये लास्ट में इसको या हो सकता है दोनों को पार्टीशन कर लेके उसको नीचे उतार लीजिए यहाँ पर क्योंकि आपके पास स्पेस है यहाँ आप लिख सकते हो उस चीज को नीचे शक्ल तो हमेशा एक लेफ्ट साइड में हमेशा लेफ्ट साइड में बनाते रहना शक्ल आपको हो गया चलिए तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो एक्सरसाइज है सेकंड जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे और उसमें जो फार्मूले इस्तेमाल होता हैं वो देखेंगे और उसमें मैं समझता तो हूँ दो एक्सरसाइज हो गए हमने तीन पार्टीशन किए हैं इसके पहला पेड़ यहाँ मुकम्मल होता है और दो पेड़ हैं इसको इनशाला अगली क्लास में देखेंगे आज के लिए इतना ही असल वरि व